हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। आज एक नए वीडियो में आपका बहुत ही ज्यादा वेलकम है। आई थिंक आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, ये छोटे छोटे गिवेन आपके पैसेज हैं हिंदी के, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, और इस वीडियो के थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन और अपने वर्ड पावर को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये सिर्फ एक बेस्ट तरीका है जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल और भी बेहतर हो सकती है और आपका ग्रामर पोर्शन भी और भी बेहतर हो सकता है। अगर आप एवरी डे प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन विद इन फ्यू मंथ्स आपकी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ओके, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपके सामने एक्सरसाइज आज 5 को हम अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ आप देख लेते हैं एक्सरसाइज 5 में है क्या आज के लिए हमारे पास। यहाँ पे आपको एक हिंदी का पैसेज दिया हुआ है। सबसे पहला जो आपका सेंटेंस है इस पैसेज के लिए, जब तक मैं अपना कार्य समाप्त नहीं कर लेती। अब यहाँ देखिए, जब तक के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टिल द टाइम। जब भी इस तरीके के आपके सेंटेंस आएगा जब तक, यानी इसके लिए लिखेंगे हम लोग लिखेंगे टिल द टाइम, जब तक मैं अपना कार्य समाप्त नहीं कर लेती। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मैं अपना कार्य समाप्त नहीं कर लेती, तो इसका हो जाएगा निगेटिव है, आई डू नॉट। अब खत्म करने का फिनिश हो जाएगा, फिनिश क्या खत्म कर ले भाई, फिनिश माई वर्क, माई ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहां तक का। मैं बाहर नहीं जाती हूं, यानी ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी मैं बाहर नहीं जाती हूं। ठीक है, तो आई सेम यहां पर भी डू नॉट लग जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डू और डज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम डज लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम डू लगाते हैं। ठीक है, तो मैं बाहर नहीं जाती हूं, आई डू नॉट। अब यहां पे जाना का गो आउट। ठीक है, इस तरीके से हमने एक और सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। मुझे पढ़ने में रुचि है। ठीक है, तो मुझे पढ़ने में रुचि है, इसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड क्या करने में, रीडिंग करने में, तो यहां पे हो जाएगा रीडिंग। ओके, तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। रीडिंग क्या पढ़ने में भाई, रीडिंग हो गया कंप्लीट। अब ये अगला सेंटेंस है, कल मेरे पिताजी यहां आएंगे, यानी कल मेरे पिताजी यहां पे आएंगे। ठीक है, तो माई फादर कौन आएगा, माई फादर आएंगे। देखिए ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां पे विल लग जाएगा, तो विल, अब यहां आने का क्या होता है, कम हो जाएगा, कम कहां पे आएंगे, यहां पे, यानी टुमारो, कल यहां पे आएंगे, टू मारो यहां पे हम स्पेलिंग लिख देंगे टुमारो के। ठीक है, ओके, ये आपका एक कंप्लीट हो गया, यहां पे हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, मुझे आशा है। ठीक है, आई होप दैट, मुझे आशा है, इसका हम लोग लिखते हैं आई होप दैट। ओके, जब भी आपको लिखना हो मुझे आशा है तो आई होप दैट आप यहां पे लिख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ही यानी वह मेरे लिए अच्छी अच्छी किताबें लाएंगे। ठीक है, तो ही लाएंगे, अब यहां पे देखिए विल का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आप वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां लिखेंगे हम लोग ही यानी वह क्या लाएंगे, अच्छी अच्छी किताबें लाएंगे आपके पास, तो ही वुड ब्रिंग मींस होता है लाना। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देंगे ब्रिंग गुड, क्या लाएंगे, अच्छी अच्छी, मतलब आप दो बार लिखा हुआ तो आप सिर्फ एक बार गुड लिखेंगे, गुड बुक्स लिख देंगे, बुक्स किताबें यानी प्यूरल है, तो बुक्स इसके लिए फॉर मी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो हिंदी का पैसेज है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चले इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है उसे देख लेते हैं यहाँ पे।
जैसा कि आप देख रहे होंगे, जब तक के लिए हम लोग यहाँ पे टिल द टाइम लिखेंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे समाप्त करना यानी फिनिश होता है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, मुझे पढ़ने की में रुचि है, तो यहाँ पे रुचि जो है ना, इंटरेस्टेड, ये आपका डिफिकल्ट वर्ड है, इंटरेस्टेड आपकी रुचि होती है, ठीक है। रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, मुझे आशा है, अब मुझे आशा है इसका इंग्लिश हो जाता है आई होप दैट, ओके। वह मेरे लिए अच्छी अच्छी किताबें लाएंगे, यानी ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ठीक है। अच्छी अच्छी के लिए आप गुड लिख सकते हो, किताबें यानी बुक्स। तो इसमें ये डिफिकल्ट वर्ड थे जिन्हें आप सीख कर अपनी कम्युनिकेशन, अपने वर्ड पावर को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आई होप आपने इसे इंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड में, अपने क्लासमेट में यानी अपने कॉलेज फ्रेंड में इसे जरूर शेयर करें।